Thank you.
फोटोशूट जब भी गाड़ी में आती है तो उनके साथ हम कुछ ना कुछ करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने वेडिंग मंत्रा के लिए किया था और इस बार फैब लाइफस्टाइल के लिए कर रही हूँ. और इस बार मेरे तीन लुक्स हैं, हम दोनों के तीन लुक्स हैं एंड बहुत ही डिफरेंट करने का प्लान करके रखे थे पहले से ही. तो पहला वाला लुक तो हो गया हमारा पीच लुक. आप देख सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं. तो ये मेरा एक कॉकटेल ड्रेस है, तो कॉकटेल पार्टी में जैसे पहन के जा सकते हैं वैसा. यहाँ से डायरेक्ट पार्टी जा सकते हैं हम. बट नहीं, इसके बाद भी है चेंज. एक और चेंज है. एक और चेंज है. अभी दो ही हुआ है तो आई थिंक ये वाला मुझे मेरा फर्स्ट है. मुझे दोनों अच्छा लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे दोनों अच्छे लगे हैं बिकॉज अलग अलग वो लुक है. आप नहीं बोल सकते हाँ, तो वो प्रिंसेस लुक था तुम्हारा. इसमें एक हॉट एंड सेक्सी जो भी लुक बोलते हैं उसको, तो वो लुक है.
तो अलग अलग है, तो वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। और ये भी अच्छे से ऐसे वेलवेट टाइप पे जैकेट में और सीधा साधा बच्चा जो है ये इन्होंने पहली बार ट्राई किया है, आई एम रियली लाइकिंग इट। मैंने ट्राई मतलब ये मुझे मिला है, उमंग जी हमें ड्रेस दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता हूँ मैं, मुझे लगता है कि उनके ड्रेस की वजह से। नो डाउट ड्रेसेस जैसे होते हैं वैसे ही आपकी पर्सनालिटी दिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। सर हमेशा आप किस तरीके का ड्रेसेस पसंद करती है जो एकदम क्यूट हो, लाइक झटपट ऐसे खत्म हो जाए जल्द से जल्द? नहीं ऐसा नहीं, मैं तो टाइम लेके अच्छे से करना चाहती हूँ तो नहीं मैं जैसे कि लाइक अभी फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें मुझे पता है कि आप अगर आप अच्छे ड्रेस आपको डालने हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो मैं प्रिपेयर होके आता हूँ कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है तो अच्छा ड्रेस और उसमें टाइम जाएगा। अदरवाइज आम लाइफ में जो हमारी उसमें तो अलग होता है। हाँ मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा वेयर करता हूँ जो, हाँ ड्रेस जो भी है तो जो भी मतलब लाइक इसके लिए तो टाइम जाएगा हमको। आई नो हम लोग खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके स्टापलर्स आए थे, एंड स्टापलर्स के साथ हमने पहले भी नचपली किया था तो, बट ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में ये कॉन्सेप्ट ही वो था कि जो लोग नहीं जानते, जो आपके फैन है ऑडियंस है तो आपके बारे में नहीं जानते हैं मोस्टली वो लोग, मुझे लगता है कि स्मार्ट जोड़ी के जरिए जिन्होंने मतलब उसको फॉलो किया है देखा है सारे कपल वहाँ पे अलग अलग लोगों की जर्नी रही है और एक दूसरे से सीखने को भी मिला है हमें कि कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए या जो भी है, तो स्मार्ट जोड़ी ने नो डाउट हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्लस हमारी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ाया है क्योंकि गेम्स वेम्स बहुत अच्छे होते थे उसमें, कैसे कैसे दिमाग लगा के या कुछ करके जीतना है, सबको जीतना है, सबको जीतना था। हाँ जीतना मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स थे। हाँ फ्रेंड ही थे वहाँ पे, लेकिन सबको जीतना था ये मैं मुझे मालूम था वहाँ पे। मैं भी ट्राई करता था कि मैं जीत जाऊँ और हो मतलब लकली मैं जीता भी दो तीन बहुत बार। हाँ झलक झलक मैं चाहूँगा कि मोना जो जिस टाइप की हैं ये झलक उसमें ये जाएं, बिकॉज एक हम स्टार प्लस का जो नच बलिए किए थे तो उसमें मैं था, तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करने के चक्कर में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, थैंक गॉड। बट मैं ये कहूँगी हाँ डेफिनेटली झलक दिखला जा मेरे लिए बहुत, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मुझे नहीं, बट करना चाहिए, अलग अलग पैटर्न के डांसेस सीखने हम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप कोरियोग्राफर के नहीं, साथ आप, 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 आपको सीखने को मिलेगा, बट जो आपकी ऑडियंस है मुझे लगता है कि बीइंग एक्टर मतलब मुझे जो मेरे फैन है वो बोलते हैं कि आप इस लुक में ऐसे अच्छे लगते हैं या जो भी है, तो मुझे जहाँ तक पता है अगर मुझे पूछा जाए कि मोनालिसा तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली गाने होने चाहिए इनके, डांस होने चाहिए इनके, तो होंगे। हाँ मतलब नहीं डांस शो होना चाहिए, रियलिटी शो टाइप जैसे झलक के बारे में बोल, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करोगे। ये तो ऐसा क्वेश्चन जैसे किसी को पता ही नहीं, देरी लगती मतलब देरी ही लगती है, ठीक है। और ये अब कैसे मैं बताऊँ, ये थोड़ा ढाई घंटा मुझे लग जाता है तो इनको पहले आना होता है, इसके लिए थोड़े अपसेट हो जाते हैं। अपसेट नहीं होता हूँ मैं, मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैं ही नहीं जितने भी कपल हैं वो इस चीज़ को जानते हैं पहले से। मैं भी जानता हूँ कि मैं चल रहा हूँ साथ में तो मैं बैठूँगा, मुझे पता है पहले से, तो वो मैं सोचता हूँ कि क्या बोलूँ कि मैं नहीं जाऊँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हो कहीं, आप मुंबई में ही करना है ना शूटिंग आपको, तो आप आ सकते हो मतलब कि ये भी अकेले आना अच्छा लगता है क्या, आप ही बताओ। अब बताओ क्या मैं जवाब दूंगा इसका अकेले, अभी सेम चीज़ अगर हमारे साथ होती ना तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, तो ये तो खैर। गरिमा, गरिमा मैं चाहूँगा, हाँ बिल्कुल गरिमा जी आ गई, दिस इज द क्यूट लेडी
वो जो हमें हमेशा बहुत अच्छे से तैयार करती हैं और हमेशा याद भी करते रहती हूँ। कुछ भी होता है ना, मैं नीदरलैंड से इनको मैसेज भेजती हूँ, आज हमने ये फेस्टिवल किया, आज हमने ये किया, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। मैं जब से जुड़ी हूँ ना इनके साथ, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये सेलेब है, बहुत फैमिली जैसा हमें फील होता है। और जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं इनको मैसेज कर देती हूँ। हाँ, इवन गरिमा ने भी कई बार स्मार्ट जोड़ी देखने के बाद चैट किया है। बीच में करवा चौथ में हमेशा मुझे मतलब, और वो नेदरलैंड में भी ये सब करती है, क्योंकि हम लोग सेम ही है तो हमें ऐसा फील होता है कि चलो एक दूसरे से शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी इनसे कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ। बहुत फैमिली जैसा मुझे इनके साथ आज तक फील हुआ है। और मैं स्मार्ट जोड़ी जब भी देखती थी ना, मुझे याद है मेरे जितने भी फ्रेंड जो भी नीदरलैंड में रहते थे, मैं सबको बोलती थी अरे देखो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे, इनको लाइक करो, एंड दिस वाज अ थिंग। और मैं क्या, जो भी इनसे मिलेगा ना वो बार बार जुड़ेगा। मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ, एंड मैं आई विश कि आगे बहुत ग्रो करे और ऐसे ही आगे। ये मुझे ऑप्शन ही ऐसे भेजती है ना कि मैं ज्यादा कुछ वो उंगली नहीं करती हूँ, अच्छा ही भेजती हूँ, शी नोज माय टेस्ट। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जो डिमांड करती हूँ। और भी बहुत सारे सेलेब्स के साथ मैंने काम किया, बहुत सारी बजर हुई हैं, मगर इनके साथ कभी भी नहीं। इट्स लाइक कि मैं ये भेज रही हूँ और ये तुरंत रिप्लाई करती है, हाँ ठीक है इसमें से ये ओके डन। और मुझे कभी भी कुछ चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब मोना मैं सबसे रिलैक्स हो जाती हूँ इन दोनों के साथ काम करके। इनके तो बहुत सारे भोजपुरी, मैं एक्चुअली मैं अभी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ भोजपुरी में, तो मैं वहाँ बिजी हूँ। और मोना मैंने अभी कुछ वेब सीरीज खत्म किए हैं, वो अभी तक मैं मतलब बता नहीं पा रहे हैं, बट बहुत जल्द तीन शोज आने वाले हैं, दे आर रियली गुड। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइस, नहीं मेरे फ्रेंड्स ही है आप सब लोग, इतना सारा प्यार हमेशा इतने सालों से दे रहे हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहिए।